हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? लड़कियों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लड़कियां बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये वीडियो लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लड़कियां बिल्कुल भी ना देखें, ओनली ये वीडियो लड़कों के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ का प्राइवेट पार्ट चाहते हैं या फिर उसमें किस करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के चेस्ट पे बूब्स पे किस करते हैं या फिर उसे चाटते हैं, तो इससे कई सारे आपको बेनिफिट्स, कई सारे आपको फायदे हो जाते हैं। पहली बात कि अगर आप प्राइवेट पार्ट को चाटते हैं, उस पे किस करते हैं या फिर बूब्स पे किस करते हैं, अपनी पार्टनर के, अपनी गर्लफ्रेंड के चेस्ट पे किस करते हैं, तो जो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी वाइफ है उसके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत तेजी से आएगा, वो बहुत तेजी से उत्तेजित होने लगती है। अगर आप उसके चेस्ट पे या फिर उसके प्राइवेट पार्ट पे किस करते हैं तो वो बहुत तेजी से उत्तेजित होने लगती है और वो आपके साथ घंटों सेक्स करेगी, घंटों आपके साथ फिजिकल हो पाएगी, जब तक आप चाहेंगे तब तक। एंड सेकेंड फायदा क्या हो जाता है, वो आपकी दीवानी तो हो जाएगी, आपके प्यार में बिल्कुल से पागल हो जाएगी, आपके सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, किसी लड़के के बारे में सोच नहीं सकती है, किसी लड़के के तरफ वो देख भी नहीं सकती, सिर्फ आपकी जो यादें हैं, सिर्फ आप जो है, सिर्फ वो आपको ही याद करेगी, आपको ही 24 घंटे आप ही उसके माइंड में घूमते रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार करते समय, उसके चेस्ट या उसके प्राइवेट पार्ट को अगर आप चाटते हैं तो वो उत्तेजित तो होगी ही, सेक्सुअल अट्रैक्शन उसके अंदर तेजी से तो आएगा ही। बट उससे पहले ये सारी बातें याद रखना, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने जा रहे हैं या फिर फिजिकल होने जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट अपनी पार्टनर के, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के बूब्स पे यानी कि चेस्ट पे या फिर प्राइवेट पार्ट पे किस करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, जब तक उसके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन ना आ जाए, जब तक वो उत्तेजित ना होने लगे। और उत्तेजित करने का यही एक तरीका है, सबसे पहले उसे आप लिप किस करें, चीक किस करें, उसके माथे पे किस करें, उसके एयर्स पे किस करें, उसके गाल पे किस करें, उसके गले पे किस करें, अपने हाथों से उसका जो चेस्ट है उसे टच करें, उसका कमर जो है वहां पे टच करें, उसके बैक को थोड़ा टच करें, और धीरे धीरे से आप जब उसके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन ला देते हैं, धीरे धीरे जब वो सेक्स के लिए उत्तेजित होने लगती है, फिर आप सेक्सुअल प्रक्रिया की तरफ आप धीरे ही धीरे बढ़ें। अगर आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर आप उसके चेस्ट पे किस कर देते हैं या फिर नीचे का कपड़ा उतार के डायरेक्ट आप उसके प्राइवेट पार्ट पे किस कर देते हैं, तो उसे बुरा लग जाएगा, वो आपको मना भी कर सकती है, वो आपको चपेट भी मार सकती है, वो आपको थप्पड़ भी मार सकती है। इसलिए आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप उसके चेस्ट या उसके प्राइवेट पार्ट पे किस करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जब तक वो उत्तेजित नहीं होगी, जब तक वो गर्म नहीं होगी, जब तक उसे आप उत्तेजित नहीं कर पाएंगे, तब तक वो ना ही आपको अपने चेस्ट पे किस करने देगी, ना ही वो प्राइवेट पार्ट पे आपको किस करने देगी। इसीलिए आपको सबसे पहले ध्यान ये रहना जरूरी है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करें तो आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप कोई भी गलती ना करें, आप डायरेक्ट उसके चेस्ट या डायरेक्ट उसके प्राइवेट पार्ट पे किस बिल्कुल भी करने की गलती ना करें। अगर आप ऐसा कर देते हैं, आप उसके डायरेक्ट चेस्ट पे किस कर देते हैं या फिर उसके प्राइवेट पार्ट में नीचे का कपड़ा उतार के उसके प्राइवेट पार्ट में किस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप एक बात याद रखें कि अगर उसे बुरा लग गया तो वो आपके साथ सेक्स नहीं करेगी, उसे बुरा लग गया तो वो आपको मना कर देगी, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके साथ बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना चाहेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। तो आप जब भी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ सेक्स करें तो आप डायरेक्ट कुछ भी करने की कोशिश ना करें, आप धीरे धीरे उसके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन डालें, उसे धीरे धीरे उत्तेजित करें, उसके बाद ही आप उसके साथ सेक्स करें, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच गए। तो गाइस मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।